अगर हिंदू देवियों को देखें तो सबके नाम के आगे माँ लगा है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। शायद माँ का खिताब लग जाने से देवी और भी बड़ी हो जाती है। सबसे पहले मैं सभी श्रद्धालुओं को और इस चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मातृ दिवस है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सभी में माता को सर्वोच्च स्थान दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज जो आप और हम जो इस जीवन में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, इसमें सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ का है, जो 9 महीने तक अपने गर्भ में हमें धारण करके हमारा लालन पालन पोषण करके और अंत तक हमारी सेवा करती है, हमें सन्मार्ग पर लाने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, अपने को संतान के लिए, वो सब कुछ दुख सहन करके भी संतान को आगे बढ़ाने के लिए अपने हर कदम बढ़ाती है। मैं इस मातृ दिवस पर सबसे पहली मेरी माता और सबकी माताओं को मैं नमन और वंदन अभिनंदन करता हूँ। शास्त्र ये कहते हैं दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले लिखा हुआ है, कुपुत्रो जाये तक क्वचदपि कुमाता न भवति। ऐसा लिखते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। ये दुर्गा सप्तशती में वेद में लिखा हुआ है। ऐसा भी लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेणु संचिताम नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये दुर्गा सप्तशती में पाठ में लिखा है, सभी देवताओं ने मिलकर के शक्ति का, देवी का, माता का आह्वान किया और माता से प्रार्थना की कि हे माता, आप हम पर सब पर कृपा करें। जब देव देवता, ऋषि मुनि और शास्त्र और वेद उस माता का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, उनकी यशो गाथा कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि संसार में माता से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है। ऐसा वे भागवत में लिखा हुआ है कि महाराज ध्रुव ध्रुव भगवान ने अपनी माता जो सुनीति थी, उनके आशीर्वाद से, उनके कहने से, उनके वचन से जंगल में जाकर के और भगवान की भक्ति और भावना करके अपनी माता को अपने हृदय में रख करके, अपने स्थान में रख करके उन्होंने भगवान नारायण का आशीर्वाद किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज को नारायण मिले और नारायण का आशीर्वाद ध्रुव भगवान को मिला, ऐसा वेद बताता है, ऐसी भागवत में ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। दूसरी ओर प्रहलाद जी महाराज ने अपनी माता जो कयादु थी, उसके कहने से भगवान नारायण का मंत्र का जाप किया, नारायण के मंत्र से और वेद के मंत्र को जाप करके भक्ति और भावना में लीन होकर के उसने स्वयं विष्णु भगवान के जो 24 अवतारों में एक अवतार नरसिंह अवतार है, नरसिंह भगवान को बुला लिया और अपने शरीर की रक्षा भी की, सृष्टि की रक्षा भी की और माता के कहने से नारायण के दर्शन भी प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त हुए, ऐसा वेद कहता है, ऐसी भागवत कहती है, ऐसे पुराण बताते हैं। परशुराम जी महाराज जिनका बचपन में नाम राम था, बाद में परशु हाथ में लेकर के लेने से उनका नाम परशुराम हुआ। उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और माता रेणुका के कहने से क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया। उन्होंने सहस्त्रबाहु जो राजा था, जिसके परिवार का विनाश किया, ये केवल माता रेणुका के आशीर्वाद से और रेणुका की कृपा से ये परशुराम जी महाराज ने ये कार्य किया, जो माता के स्थान को परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का नाम उज्जवल किया, प्रहलाद जी महाराज ने कयादु माता का नाम उज्जवल किया और ध्रुव भगवान ने सुनीति माता का नाम उज्जवल किया। और ऐसा भी लिखते हैं कि भगवान रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि केकई माता के कहने से दशरथ जी महाराज के प्राण बचाने के लिए
दशरथ जी महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान राम ने अपना राजपाट त्याग करके और वनवास के लिए 14 साल के वनवास के लिए गए। ये माता केकई के कहने से, माता केकई का आशीर्वाद लेकर के और भगवान ने इस सृष्टि के लिए अपना नाम किया, उसमें माता का ही स्थान है। माता केकई का आशीर्वाद भगवान श्री राम के लिए रहा। कृष्ण भगवान ने अपनी माता देवकी माता को आशीर्वाद लेने के लिए, माता को कंच के वहां से छुड़ाने के लिए कारागार से, माता को केवल हृदय में धारण करके और माता का स्थान अपने शरीर में धारण करके और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके देवकी माता के दर्शन करने के लिए कृष्ण भगवान ने कितने असुरों का संहार किया, कंस का संहार किया, इसमें माता देवकी का आशीर्वाद कृष्ण भगवान के लिए रहा। ऐसा भी भागवत में लिखा हुआ है कि कृष्ण श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता, लेकिन माता उनकी जो चंद्रकला जो माता थी, चंद्रकला माता को यात्रा करा करके, चार धाम की यात्रा करा करके अंधी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसने अपनी माता के कहने मात्र से चारों धाम की यात्रा और तीर्थों का तीर्थाटन करवाया और अपनी माँ के नाम का आशीर्वाद प्राप्त करके श्रवण कुमार ने अपना नाम शास्त्रों में, वेदों में और धर्म ग्रंथों में रखवाया। ये भी एक माता का आशीर्वाद ही रहा। हनुमान जी महाराज के लिए रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज ने अपनी माता अंजनी के कहने मात्र से, उनके आशीर्वाद से राम की भक्ति के लिए वनवास में जाकर सुग्रीव के पास रह करके और भगवान राम के दर्शन करके और राम के आशीर्वाद को प्राप्त किया। ये सब मात्र भक्ति का ही आशीर्वाद है, ऐसा वेद बताते हैं, ऐसे शास्त्र बताते हैं, ऐसे धर्म ग्रंथ बताते हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में केवल मदर डे, फादर डे या ऐसे डे मनाए जाते हैं, लेकिन मैं आप सबको इन वेदों और शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप रोजाना, अगर किसी के, मैं ज्योतिष के रूप में, शास्त्र के रूप में भी बता रहा हूँ कि अगर किसी के राहु का ग्रह, केतु का ग्रह, शनि का ग्रह या मंगल का ग्रह या कोई भी ग्रह की कुदृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, अशुभ योग है और उसका अगर मार्केस भी चल रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, परिवार में कष्ट हो रहा है, पति पत्नी में या बाल बच्चों में या आर्थिक स्थिति में या व्यापारिक दृष्टि में, तो मैं आप सबको ये सुझाव दूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप अपनी माता के चरणों को प्रतिदिन आप नमन करें, उनको नमस्कार करें और प्रतिदिन ही मात्र भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें, रोजाना ही मात्र दिवस मनाएं, अपनी माता की सेवा करें, माता की आज्ञाकारिता का पालन करें। ये वेद और शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है कि जिसने भी अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, माता के कहने से आगे चले और माता का उनके माथे के ऊपर हाथ रहा, तो वो संतान निश्चित आगे संस्कारित होगी और आगे जीवन में सुख और शांति प्राप्त करेगी। मैं तो यही कहूंगा आज मातृ दिवस पर कि आपके ग्रहों को, आपके अशुभ ग्रहों को दूर करने के लिए, अशुभ दृष्टि को दूर करने के लिए, अशुभ योग को दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन अपनी माँ के चरणों में नमन करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए, उनकी सेवा करिए, उनके बताए हुए मार्ग चिन्हों पर आप चलिए, तो निश्चित आप भी ध्रुव बन सकते हैं, आप भी प्रहलाद बन सकते हैं, आप भी परशुराम बन सकते हैं, आप भी राम और कृष्ण बन सकते हैं। आप में वो शक्तियां भी आ सकती है कि आप श्रवण कुमार की तरह और हनुमान जी की तरह आपका भी नाम यशो गाथा आ सकती है। मैं सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ और मातृ दिवस पर आप सभी अपनी माताओं का नमन करें, वंदन करें, पूजन करें, अनुसरण करें।